देश की प्रथम समाज सुधारक महात्मा गांधी के गुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमानतदार बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती सोमवार को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस अवसर पर इंदौर शहर के रिंग रोड मूसाखेड़ी चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रतिमा स्थल पर सांसद विधायक सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण किया। देश के प्रथम समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की सोमवार 11 अप्रैल को 195वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस अवसर पर इंदौर शहर के मूसाखेड़ी चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रतिमा स्थल पर संयुक्त माली समाज एवं माली समाज की विभिन्न शाखाओं के द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ प्रातः आज सबसे पहले सांसद शंकर लालवानी ने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने भी माल्यार्पण किया। आयोजन के दौरान समाज सेवी विष्णु वर्तू ने श्रीमती अलका सैनी, पूर्व पार्षद सत्यनारायण आजाद, सुनील टाक सैनी, माली समाज शाखा छावनी के अध्यक्ष रामचंद्र सैनी सहित तमाम पदाधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर ज्योतिबा फूले अमर रहे के नारों से पूरे मोहल्ले को गुंजायमान कर दिया। फूले जी के चरणों में नमन करता हूं। आज उनकी 195वीं जयंती है। हम जो उनका संकल्प था, शिक्षा, समाज का समग्र विकास, इस संकल्प को हमको गांठ बांधकर हमारे पूरे समाज को, हमारे राष्ट्र को, उनके संकल्प को पूरा करने का जयंती में हम सब इसी संकल्प को अपने जीवन में उतारें और उनके विश्वास को, उनके लक्ष्य को आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश ऑल इंडिया सैनी माली सभा जिला अध्यक्ष मैं आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले मूसाखेड़ी चौराहे पर 195वीं जयंती मनाने जा रहा है और सभी समाज बंधु संयुक्त माली समाज के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और समाज के लिए, बिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए और सभी समाज के गरीबों के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फूले का जो बलिदान है वो बलिदान हमेशा याद रहेगा सबको। और उन्होंने जो है बच्चों की जो शिक्षा दी है, उन्होंने आगे पढ़ाया है बच्चों को और जो आज हमारा देश जो आत्मनिर्भर बनाया, उन्होंने जो प्रथम शिक्षक थे वो इस देश के। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर पूरा माली समाज, सारी शाखाएँ एकत्रित हुई है, उसके लिए हम सभी माली समाज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से माली समाज संगठित रहेगा तो सभी लोगों को एक ऊंचाई मिलेगी, एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज 195वीं जयंती मनाई गई है और इसके लिए सभी शाखाएं आज तक एकत्रित नहीं हुई थी, आज एकत्रित हुई है तो ये समाज के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है। बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। इसी तरह इंदौर के निकट महू में भी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती धूमधाम से मनाई गई और दोपहर न्यूज़ के स्थानीय संवाददाता रवि धीमान ने बताया कि महू में फूल माली समाज के धर्म गुरु, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले का 195वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास से मनाया और महू में स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रतिमा स्थल को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर जन्म भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री भंते, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद जितेंद्र शर्मा, भाजपा सचिव राजेश वानखेड़े, भारतीय बौद्ध महासभा के राजेंद्र वाघमारे, गौतम वाघ, सुनील तिवारी, भुवनेश्वर सैनी, पार्षद जितेंद्र शर्मा, माली समाज के वरिष्ठ रामचंद्र सैनी, ओम सैनी, लक्ष्मी नारायण पवार, घनश्याम पहलवान, मनोज सैनी, कैलाश सैनी, जीतू कौशल, मनोज सैनी, सुभाष माली, रामू सैनी, अनूप पटेरिया, विमल सैनी, ताराचंद सैनी, अर्पित सैनी, बाबूलाल सैनी, अनुराग सैनी, हरसोला के पूर्व सरपंच सत्यनारायण राधेश्याम जी यादव आदि सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम सैनी ने किया एवं आभार अमित सैनी ने माना। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे।
दोपहर न्यूज़ के लिए इंदौर से विशाल लश्करी और महू से रवि धीमान की खास रिपोर्ट।